हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी एडमिशन 2022 एंड 2023 से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट किया गया उसके बारे में। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि देख सकते हैं, ये जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और एक बात, अगर आप सभी इस चैनल पर नए हो और इसी तरीके का हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर सेट कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियोस अगर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी को करना क्या है, आप सभी को इस एडमिशन का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। नोटिफिकेशन पाने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग पैट 2022, आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में इसका जो PDF है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा सरन बिहार PhD एडमिशन टेस्ट पैट 2022। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर PhD एडमिशन टेस्ट पैट 2022। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है PhD भर्ती के लिए। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पैट 2022 एग्जामिनेशन विल बी फ्लोटेड ऑनलाइन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ओके, एंड द कैंडिडेट्स विल फिल अप द फॉर्म्स फ्रॉम 17/01/2023 टू 30/01/2023 टिल 11:59 PM। यानी कि आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे 17 जनवरी 2023 से लेके 30 जनवरी 2023 तक। बहुत ही शॉर्ट टाइम दिया गया, इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं द एप्लीकेंट्स नीड टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म्स अलॉन्ग विद द सेल्फ एटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज ऑफ द रिक्विजाइट डॉक्यूमेंट्स। द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल रिक्विजाइट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड बाई हैंड और थ्रू रजिस्टर पोस्ट लेटेस्ट बाई 04/02/2023 टिल 4 PM इन द ऑफिस ऑफ PhD सेक्शन ऑफ JP यूनिवर्सिटी छपरा बिहार। यानी कि आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद में उसका जो हार्ड कॉपी है वो भी सबमिट करना है। ओके, और जितना भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आप सभी को अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ एटेस्टेड जेरोक्स कॉपी आप सभी को अटैच करना है। ओके, करने के बाद में आप सभी को बाई हैंड आप सभी सबमिट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में जाके, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू से भी आप सभी सेंड कर सकते हैं इस गिवन एड्रेस में। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस यहाँ पे दे दिया गया है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा बिहार। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं हार्ड कॉपी सबमिट करने का लास्ट डेट है 04/02/2023, यानी कि 4 फरवरी 2023 तक आप सभी का जो हार्ड कॉपी है वो गिवन एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए, या फिर आप सभी बाई हैंड भी सबमिट कर सकते हो। ओके, यानी कि आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी करना है और उसका हार्ड कॉपी भी सबमिट या फिर सेंड करना है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं द सिलेबस ऑफ पैट 22 इज अपलोडेड ऑन द अबव वेबसाइट। ओके, सिलेबस ही मैं आप सभी को दिखा दूंगा कहां से डाउनलोड करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पैट 22 मे बी फिल्ड अप बाई क्लिकिंग ऑन द लिंक ऑफ द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ओके, लिंक दे दिया गया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में। ओके, अप्लाई करने का। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज निकल के आई हुई है। यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट्स इन विच टेस्ट विल बी कंडक्टेड, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट में पैट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, चेकआउट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है, देन फैकल्टीज, देन सब्जेक्ट। सबसे पहले नंबर 1 पे देख लेते हैं कॉमर्स। ओके, सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कॉमर्स के लिए वैकेंसीज निकल के आई हुई है। देन नेक्स्ट ह्यूमैनिटीज में चेकआउट कर लेते हैं, ह्यूमैनिटीज में है हिंदी, देन इंग्लिश, देन संस्कृत, देन उर्दू एंड फिलोसफी। ओके, नेक्स्ट साइंस के लिए चेकआउट कर लेते हैं, फिजिक्स में है, देन केमिस्ट्री, देन जूलॉजी, देन बॉटनी एंड मैथमेटिक्स में है। ओके, नेक्स्ट सोशल साइंस के लिए चेकआउट कर लेते हैं, हिस्ट्री में है, देन पॉलिटिकल साइंस, देन होम साइंस, देन इकोनॉमिक्स, देन साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी। इन सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज निकल के आई हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं द सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी एंड डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट विल बी अनाउंस लेटर ऑन, यानी कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स एंड डेट ऑफ एडमिशन
टेस्ट बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, गाइडलाइंस फॉर द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2022, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपसे ये बता देता हूँ, पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप सभी कोई भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनमें से कोई भी, तो आप सभी को 5% का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा मार्क्स में। आप सभी के पास अगर 50% मार्क्स भी अगर है मास्टर्स डिग्री में, तो भी आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जेम्पशंस फ्रॉम द रिटन टेस्ट ऑफ पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2022। अगर इनमें से आपने कोई भी कुछ भी अगर क्वालिफाई करा है, तो आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट में छूट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया गया, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिलअप करना है, देन जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करके सेंड कर देना है। ओके, या फिर सबमिट कर देना है यूनिवर्सिटी में जाके। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट यहाँ पे फिर से मेंशन कर दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का, 17 जनवरी 2023 से लेके 30 जनवरी 2023 तक आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, और हार्ड कॉपी सबमिट करने का लास्ट डेट है 4 फरवरी 2023। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं द कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पैट 2022 आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई विथ रिक्विजाइट फी एज पर कैटेगरी, यानी कि जितने भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कैंडिडेट्स होंगे उन सभी को भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशन फी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट फी कैटेगरी एंड अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। सबसे पहले देख लेते हैं जनरल बीसी ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2500, यानी कि 2500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया। और नेक्स्ट देख लेते हैं एससी एसटी एंड वुमेन ऑल कैटेगरीज एंड डिफरेंटली एबल कैटेगरीज के लिए 1500, यानी कि 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। ओके, इस मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन गेटवे प्रोसेस, आप सभी को ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है एप्लीकेशन फ़ी। ओके, नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2022 रिटेन टेस्ट, ये प्रोसीजर पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं रिटेन टेस्ट विल बी कॉम्प्राइज ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, 2 पेपर्स के लिए एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ओके, 100 मार्क्स ईच, यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1 100 मार्क्स का होगा जो कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मोड में होगा। ओके, जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। नेक्स्ट, पेपर 2 जो कि 100 मार्क्स का होगा, सब्जेक्टिव टाइप। ओके, इन द सब्जेक्ट कॉन्सर्न बेस्ड ऑन सेमेस्टर सिस्टम सिलेबस। ओके, एक्सक्लूडिंग इलेक्टिव पेपर्स ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ जेपी यूनिवर्सिटी छपरा बिहार। नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट विल बी एज फॉलोज, फॉर जनरल कैंडिडेट्स 50% मार्क्स यहाँ पे रखा गया है, रिटन टेस्ट में आपसे को मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा, एंड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को मिनिमम 45% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है तो। ओके, नेक्स्ट, मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल्स दिया गया, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ वेटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिया गया, आप सभी वीडियो पॉज करके चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं, और भी डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है। ओके, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं एबिलिटी ऑफ एडमिशन कार्ड जो कि आप सभी को बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, जनरल इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट टेस्ट सेंटर में, आप सभी बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट सेंटर विल बी हेल्ड एट छपरा सेंटर्स एंड इट विल बी कम्युनिकेटेड और अनाउंस प्रॉपरली इन टाइम। टेस्ट सेंटर जो होगा वो छपरा सेंटर्स में ही दिया जाएगा। ओके, डिटेल्स में आप सभी को बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, सिलेबस ऑफ पैट 2022 पेपर 1। ओके, पेपर 1 के लिए यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। मैं स्क्रॉल डाउन करके आप सभी को दिखा देता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं पैट 2022 रिजल्ट, पैट 2022 रिजल्ट विल बी पब्लिश ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट, द रिजल्ट शुड बी चेक्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द पर्सनल लॉग इन अकाउंट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट रिजल्ट विल बी अपलोडेड विद इन अ मंथ आफ्टर कॉम्पिटिशन ऑफ एग्जाम, यानी कि एग्जामिनेशन के 1 महीने बाद
रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा, यानी रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, द रिजल्ट विल बी पब्लिश इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मेरिट रैंक एंड कैटेगरी रैंक ऑप्टेन बाय द कैंडिडेट। ओके, नेक्स्ट आप सभी यहाँ से भी सिलेबस चेकआउट कर सकते हो, पैट एग्जाम सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो, एक ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो फुल डिटेल्स में मैंने आपसे पूरा नोटिफिकेशन बता दिया है। ओके, तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन वीडियो में बस इतना ही है। अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होती है इसके रिगार्डिंग, तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।